so we are on last paragraph of our unit we'll discuss difficult word meanings first first difficult word is simultaneously it means at the same time yani ek hi second is curtailed it means reduced ya decreased urdu kahenge hua third is optimum it means most favorable fourth is implemented it means to carry out ya apply or put into effect यानी लागू करना फिफ्थ इज इसशियल इट मीनस नेसेसरी या ज़रूरी लेट्स वो वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ अब इस पैराग्राफ में हमें स्ट्रैटीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से बुरी सूरत हाल से बच सकते हैं कौन सी सूरत हाल बुरी होगी जिसमें हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारी नीड्स को पूरी करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे राइटर कहता है कि अब हमें स्मार्ट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनाना चाहिए किस लिए ताकि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं लाइक फर्टाइल लैंड वाटर एनर्जी एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स उनको हम कंजर्व कर सकें उनको हम महफूज कर सकें फिर राइटर कहता है कि हम जितनी भी स्मार्ट स्ट्रेटजीज लगा लें कि हम अपने रिसोर्स को बचा लेंगे महफूज कर लेंगे और स्मार्ट तरीके से मेनटेन मैनेज और यूज़ ताकि हम इनसे महरूम ना हो जाए ये तब तक नहीं मुमकिन है जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को सीज नहीं करोगे बढ़ने से अगर इसी तरीके से ओवर पॉपुलेशन होती रही तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं एक ना एक दिन जरूर डिक्लाइन होंगे और इसे हम रोक नहीं सकते हैं राइटर कहता है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहिए फॉर वर्ट फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड लिविंग हाई स्टैंडर्ड लिविंग कौन सा है जिसमें हमें किसी चीज़ की महरूमी ना हो किसी चीज़ की किल्लत ना हो सो फॉर दैट हमें हमारी पॉपुलेशन को पूरी वर्ल्ड में टू बिलियन से कम रखना है इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल अमाउंट ऑफ़ पॉपुलेशन

और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट एक अच्छा और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करना हर जगह की नेसेसिटी है हर जगह जरूरी है सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग विद सम न्यू टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर दिस इज मीमाहा योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर साइनिंग आउट